अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से ठीक हूँ। और पिछला व्लॉग मैंने यहीं से एंड किया था, मैंने कहा था यहीं से मैं शुरू करूँगी दूसरा व्लॉग, तो आज मैं यहीं से शुरू करूँगी। बस एयरपोर्ट के लिए हम लोग निकलने वाले हैं, बस टैक्सी का वेट हो रहा है, तो बस सारा सामान जो है सब सेट हो गया, बस निकलने ही वाले हैं। तो मैंने सोचा व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। और ये देखें, मैं एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूं और ट्रॉली में सारा सामान रखा जा रहा है। ये जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट है पटना का, तो सफ़र बहुत लंबा है, कनेक्टिंग फ्लाइट है पटना टू दिल्ली, दिल्ली टू दमाम। तो आप लोग बिल्कुल मेरे साथ बने रहना और मैं आप लोग को जो भी हो सकेगा मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। तो बस देखें मोहम्मद की हरकत आप देखते रहें। हाँ जी, बस हम लोग बस अंदर जा रहे हैं और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है सबको यहीं पर छोड़ कर के, क्योंकि आप सऊदी वगैरह में हम लोग अंदर तक जाते हैं जहाँ लगेज समिट होता है ना, वहाँ तक जाते हैं, लेकिन यहाँ मतलब इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में गेट ही तक आप जा सकते हो, उसके बाद लगेज वगैरह हमें खुद ही सबमिट करना है। ठीक है, ये मेरे जेठ के लड़के हैं माशाल्लाह, सब मुझसे मिलने के लिए आए हैं और बस यहीं पे सबको छोड़ करके चले जाना है। अब वापसी कब होती है ये मुझे नहीं पता है कि मतलब सऊदी से कब आना हो, पर बहुत अफसोस हो रहा है। भाई पीछे सारा सामान ला रहे हैं और एक बैग जो है, एक ट्रॉली जो है हो नहीं रहा था, तो इसलिए ये मेरे जेठ के लड़के लेकर जा रहे हैं। बाकी सारा बहुत सारा लगेज है और मारिया के हाथ में जो है, यहाँ पटना ही से अमरूद ख़रीदे हैं वो है, और कैमरा का बैग है मारिया के पास जो कि हल्का है, सिर्फ कैमरा है, और ये देखे उसके हाथ में अमरूद है। तो हम लोग चलते हैं अंदर और यहाँ पर पुलिस जो है गेट पर खड़ी है, तो इन्हें टिकट वगैरह भी दिखाने हैं, और जिस जिस के टिकट हैं सिर्फ वो अंदर जा सकते हैं, तो सिर्फ मेरे और बच्चों के हैं, तो बस हमने ही जाना है अंदर। बाकी ये लोग तो यहीं से अल्लाह हाफिज़ कह देंगे। बहुत अफसोस हो रहा है सच में, बहुत मुश्किल वक्त होता है जब सब अपनों को छोड़ करके आप ना जाओ बाहर। तो बस चलें जी, तो यहाँ पर जो है मुझे सारे कागज़ वगैरह निकालने हैं, सारे चीज़ पासपोर्ट वगैरह टिकट्स वगैरह, तो मिलते हैं। ओके जी, तो यहाँ पर जो है बस लगेज जो है हम लोग का जमा हो रहा है, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ इमिग्रेशन वगैरह पटना में तो नहीं होगा, वो दिल्ली में होगा। तो हम लोग आगे गेट नंबर 4 पे यहीं से बस जाना है फ्लाइट में, और बोर्डिंग एरिया में आ चुके हैं, तो अभी टाइम है, हम लोग टाइम से पहले आए हुए हैं। और तो आ गए बच्चों के लिए डोनट्स और उसके बाद ये बर्गर वगैरह लेने के लिए। मारिया का फेवरेट ये डोनट है और मोहम्मद जो है मीठा ज़्यादा शौक से खाता नहीं है, तो मैंने इसीलिए एक नमकीन और एक मीठा कर लिया, देखते हैं। और ये देखें मोहम्मद बिल्कुल भी शौक से नहीं खा रहा, उसका मुंह देखें आप मुंह बना रहा है एकदम से। मैंने कहा चलो बर्गर ही ले लो, तो बस वो खुश हो गया, वो भी थोड़ा बहुत खाता, वो ज़्यादा खाता वाता नहीं है। खैर, और हम लोग जो है यहाँ पर देखें आप लोग बस वेट कर रहे हैं गेट खुलने का, टाइम होगा जब ही खुलेगा तो मिलते हैं आपसे। हाँ जी, बस अब हम लोग जा रहे हैं फ्लाइट की ओर। अच्छा जी, तो हम लोग एयर इंडिया से जा रहे हैं, ये मैंने आपको नहीं बताया, मुझे ख्याल नहीं रहा कि मैं फ़्लाइट बताऊं कौन सी फ़्लाइट है, इंडिगो है या एयर इंडिया है। तो एयर इंडिया से हम लोग जा रहे हैं और बस अंदर चलकर देखते हैं, आपको सारी चीज़ दिखाऊंगी। कि इंडिगो का तो मैं जब मैं घर आ रही थी तब मैंने व्लॉग डाला था, नहीं देखा आप लोग जाकर देख लेना। तो अब एयर इंडिया का ट्राई करते हैं, मुझे लग रहा बहुत अच्छा होगा, तो चलें अंदर चलते हैं और फिर सारी चीज़ आपको दिखाते हैं। तो आप लोग वीडियो पे बिल्कुल सिक्सटी आगे आगे
चलो बैग भर एयर इंडिया बहुत पसंद आया, काफ़ी अच्छी सर्विस लगी और सारा चीज़ बहुत अच्छा है। तो हम लोग का खाना भी आ चुका है, किड्स मील अलग है जो हम लोग ने चूज़ किया था किड्स के लिए और अपने लिए। तो सारा चीज़ अभी दिखाती हूँ क्या क्या है मेरे खुद के लिए। ये सब्जी चावल दाल है क्योंकि मैं नॉन वेज सफर में थोड़ा अवॉइड करती हूँ। और ये बच्चों के लिए जो है वो पास्ता है चीज़ डाला हुआ विथ चीज़। और उसके बाद ये स्वीट पोटैटोज़ में जो है क्रीम वगैरह मिला दिया गया है, कर्ड्स हैं। उसके बाद ये चॉकलेट है, तो बच्चे तो सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद तो चॉकलेट ही लिए हुए, कुछ भी हाथ नहीं लगाया है। और लेकिन मज़े का खाना है, तो बस पास्ता भी मुझे दे दिया तो मैंने कहा चलो मैं पास्ता ही खाती हूँ और मैं उसी का पास्ता खा रही हूँ। वो खा नहीं रहा, उसने कहा कि मुझे दाल चावल दे दो लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा रहा है, तो मैं ही पास्ता खा रही हूँ। मैंने कहा चलो पहले पास्ता खत्म कर लेते हैं। मोहम्मद रास्ते में बच्चे, रात काफ़ी हो गई है ना, तो बच्चे काफ़ी थक गए, कुछ खाना नहीं चाह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेफली लैंड हो चुके हैं दिल्ली और बस अब जा रहे हैं, इमिग्रेशन वगैरह होगा उसके बाद हम लोग जो है दमाम की फ़्लाइट लेंगे। तो चलें आप लोग मेरे साथ, बिल्कुल बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बहुत शुक्रिया। ये देखें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बस हम लोग पहुँच चुके हैं, अब जा रहे इमिग्रेशन के लिए। तो यहाँ पर इमिग्रेशन होगा, चलो चलो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया, इमिग्रेशन वगैरह सब हो गया, बस हम लोग फ्लाइट की ओर जा रहे हैं। तो चलें जी पहुंचते हैं फिर मिलते हैं। हाँ जी पहुंच चुके हैं, बस अपनी सीट पे बैठ भी चुके हैं, तो चलें सफ़र शुरू। मोहम्मद का देखें और मारिया की तबीयत थोड़ी सी डल है तो ओके जी, तो खाना आ चुका था। ये देखें क्या क्या, समोसे हैं और छोले हैं, उसके बाद कुछ फ्रूट्स हैं जैसे पाइनएप्पल और पपाया वगैरह, और स्वीट डिश में है क्या बताऊँ मैं, सेव में छोले का जो काबुली चना होता है ना उसमें कुछ मीठा मीठा करके, मुझे समझ नहीं आ रहा था, बस उसी टाइप से है, अच्छा है। और किड्स मील दिखाती हूँ उसमें क्या है, तो उसमें एक मिनट खोलते हैं। हाँ जी इसमें है ये नूडल्स, चिकन नूडल्स है, बहुत मज़े का था। मोहम्मद सो चुका है, वो कुछ भी नहीं खा सकता, वो सोया हुआ है। और ये चॉकलेट केक है, और उसके बाद डिनर शिनर करने के बाद जो है बस यहाँ पर मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। बच्चे लोग सोए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सही से दमाम पहुँच चुके हैं, अल्लाह बाप हिफाजत हम लोग को पहुँचा दिए अल्हम्दुलिल्लाह। और मोहम्मद तो सो चुका था, ये दिल्ली वाली फ़्लाइट में मोहम्मद सो चुका था, कुछ भी खाया पिया नहीं है, और मारिया की थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके हैं। अब लगेज लेते हैं उसके बाद। हाँ जी हम लोग यहाँ से लगेज लेने लगे हैं, और कनेक्टिंग फ़्लाइट में आप डायरेक्ट आपको जिस जगह की फ़्लाइट है ना वहीं पे मिलेगा, ये बहुत अच्छा है। जैसे हमने पटना में लगेज सबमिट किया था तो यहीं मिला, बीच में दिल्ली में लगेज वगैरह का चक्कर नहीं था, सिर्फ इमिग्रेशन कराना था, इमिग्रेशन हुआ उसके बाद आपको
फ्लाइट के अंदर आ जाना बहुत आसान, बहुत सहूलत से। तो ये बहुत फ़ायदे में है, ये नहीं कि यहाँ निकालो वहाँ निकालो, आप अकेले बहुत परेशान हो जाते हो। तो बस लगेज निकालते हैं, उसके बाद मिलते हैं। हाँ जी, मेरे हस्बैंड आ चुके थे लेने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से हो गया। और मोहम्मद और मारिया सब देख करके बहुत खुश हो रहे थे। मोहम्मद का ये देखें, और मारिया की तबीयत ख़राब है तो वो मेरे साथ एकदम लगी हुई है। अच्छे अच्छे तो इन्होंने कहा कॉफ़ी पी लेते हैं, तो बस यहाँ से कॉफ़ी लेने लगे। और मारिया थोड़ा सा जो है मतलब उसको बॉडी पेन हो रहा है तो थोड़ा उदास है। मैंने कहा चलो रूम पर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और बस कॉफ़ी ले लिया और हम लोग बाहर आ गए। हमने कहा वहाँ पर रुकने का दिल हो रहा था, बस बच्चे लोग भी काफ़ी पीते हैं, तो मैंने कहा चलो रूम पर चलते हैं, पीते हुए कॉफ़ी चलते हैं। मारिया भी पी रही है, उसे मैंने कहा थोड़ा सा पी लो ताकि थोड़ा सा जो है ना दर्द कम हो जाए। और ये सामान गाड़ी में रखा जा रहा है और रूम पर चलते हैं। अब इसके बाद जो है आपको सऊदी का ब्लॉग मिलेगा इंशाल्लाह, अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको कैसा लगा ब्लॉग, मैंने पूरी कोशिश की है कि पूरी जर्नी दिखाने की, आई होप अच्छा लगा होगा। तो बस क्या करना है, लाइक कर देना है जल्दी से और सब्सक्राइब भी कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।